फिर उठा दीपिका पाडुकोण के प्रेगनेंसी पर सवाल। सवाल इस तस्वीर की वजह से, क्या दीपिका देने वाली है गुड न्यूज? वेल, पोस्ट की गई तस्वीर में कच्चे खट्टे आम से भरा एक प्लेट नजर आ रहा है, जिस पर लाल मिर्च छिड़का हुआ है। तस्वीर में कैप्शन में दीपिका ने लिखा है, तुम बस बाकी सभी चीजों की तुलना में सबसे अच्छे हो, किसी से भी बेहतर, जिससे मैं अभी तक मिली हूँ। जैसे ही दीपिका पाडुकोण ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, फैंस उनसे गुड न्यूज के बारे में सवाल करने लगे। वेल, ये तो दीपिका ही क्लियर करे तो अच्छा होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पाडुकोण ने अपने प्रेग्नेंट होने की क्लैरिफिकेशन दी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में दीपिका ने कहा था, मैं अफवाहों से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। क्या हम बच्चे चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हम दोनों को बच्चों से प्यार है, लेकिन क्या हम कभी भी बच्चे पैदा करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अभी स्वार्थी है और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस समय बच्चे पैदा करना उचित होगा। हम बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दुखद है कि समाज अपने आप को और लोगों को इस रूप में रखता है कि ठीक है, आप इतने लंबे समय से डेट कर रहे हो तो शादी कर रहे हो, इसके बाद फिर पूछते हैं कि माँ या पिता कब बन रहे हो। ये हमारी उपेक्षा करने जैसा है। वही साल की शुरुआत में एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका से उनकी प्रेगनेंसी को लेकर पूछा, तो उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हूँ? मैं जब भी फैमिली प्लानिंग करूँगी तो आपसे पूछ लूँगी, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं प्लान करूँगी। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो सभी को 9 महीने में पता चल जाएगा। यानी दीपिका के लाख बार कहने के बावजूद फैंस उनकी क्लैरिफिकेशंस को नहीं मान रहे हैं। अब दीपिका कैसे रिएक्ट करती है ये देखना दिलचस्प होगा।